हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परिहार। बताते चलिए आपको, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है, क्योंकि ईडी ने उन्हें यहां जमीन घोटाले को लेकर 7 समन भेज दिए हैं और यहां पर हेमंत सोरेन ने 7 समन इग्नोर कर दिए। इग्नोर करने के बाद अभी अटकलें लगाई जा रही हैं कि हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ जो JMM पार्टी है उसके बारे में भी यहाँ पर सोचना है, तो उसी को लेकर हेमंत सोरेन ने यहाँ अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को जिम्मेदारी देने की यहाँ बात कही है। उससे पहले आपको बता दें कि जो कल्पना सोरेन है वो राजनीति से कतई नहीं जुड़ी, राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रखती, तो इस लिहाज से देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन किस आधार पर कल्पना सोरेन को JMM पार्टी सौंप सकते हैं। इसी बीच आपको बता दें कि झारखंड सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का नाम अचानक सूबे के सियासी गलियारे में चर्चा के केंद्र में आ गया। माना जा रहा है कि हेमंत सोरेन के खिलाफ अगर ईडी कोई सख्त एक्शन लेता है तो वैसी स्थिति में कल्पना सोरेन को सीएम बनाया जाएगा। इस बाबत हेमंत ने विधायक दल की बैठक भी बुलाई थी। हेमंत सोरेन ईडी के 7वें समन का मंगलवार को जवाब भेज दिया। उन्होंने ईडी को बंद लिफाफे में भेजे जवाब में क्या लिखा यह तो मालूम नहीं हो सका, लेकिन 31 दिसंबर 2023 की म्याद खत्म होने के बाद पत्र भेजने का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। कल्पना सोरेन के सीएम बनने की चर्चा दूसरी बार छिड़ी है। पिछले साल उनके नाम की चर्चा तब शुरू हुई थी जब हेमंत सोरेन के खिलाफ पद के दुरुपयोग कर खनन पट्टा लेने के आरोप भाजपा ने लगाया था। भाजपा ने इसकी शिकायत राज्यपाल से की थी। राज्यपाल ने चुनाव आयोग के पास मामले को ट्रांसफर करते हुए उसकी राय पूछी थी। आयोग ने राज्यपाल को क्या जवाब भेजा वह आज तक किसी को पता नहीं चला। तब भी ये कहा जा रहा था कि हेमंत की सदस्यता यहाँ पर अगर चली जाती है तो वे अपनी पत्नी को सीएम की कुर्सी सौंपेंगे। हालांकि राजभवन की चुप्पी के बाद चर्चा बंद हो गई। रांची में सेना की जमीन की खरीद बिक्री मामले की जांच अब ईडी ने शुरू की थी, तो उसके एक राजस्व कर्मचारी के घर से कई ट्रक जमीन के सरकारी कागजात हाथ लगे थे और ईडी उसी मामले में हेमंत सोरेन से पूछताछ करना चाहती है। इसी बीच आपको बता दें कि यहाँ पर जहाँ एक तरफ ये चर्चा तेज है कि झारखंड की मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन बनने वाली है, उससे पहले हम आपको बता दें कि कल्पना सोरेन की संपत्ति पर आखिरकार क्या चर्चा चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उनके परिवार की संपत्ति पर बीजेपी शुरू से ही सवाल उठाती रही है। बीजेपी की तत्कालीन रघुवर दास की सरकार ने यहाँ पर उस वक्त की अगर हम बात करें, यहाँ 2014 में हेमंत पर रांची में अवैध तरीके से जमीन हासिल करने का आरोप लगाया था। बीजेपी का यह भी दावा था कि हेमंत सोरेन ने 2014 में इलेक्शन कमीशन को दिए गए हलफनामे में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा है वो सही से नहीं बताया था। विपक्ष उनके परिवार के पास 100 करोड़ से अधिक की संपत्ति होने का आरोप लगाता रहा है। हालांकि 2019 की अगर यहाँ पर बात की जाए तो 2019 के विधानसभा चुनाव में हेमंत सोरेन ने चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में अपनी संपत्ति का ब्यौरा यहाँ पर दिया था। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि विपक्ष जिस तरीके से यहाँ ये सवाल उठाता रहा है कि हेमंत सोरेन की जो संपत्ति है वो संवैधानिक तौर पर वो संपत्ति उनकी नहीं है। इसी बीच आपको बता दें कि हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी के अलग अलग बैंक खातों में 51,77,000 रुपए जमा थे। हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन के नाम पर मारुति क्लोज और 34 लाख रुपए की ज्वेलरी है बताई गई है। कल्पना के नाम पर 4 करोड़ रुपए की 3 कमर्शियल बिल्डिंग भी बताई जा रही है। तो अब यहाँ पर ये देखना होगा कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी यहाँ पर होती है तो क्या वाकई में जो सीएम का पद है वह कल्पना सोरेन के हाथ में आएगा या नहीं। क्या लगता है आपको झारखंड को लेकर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहिएगा SPN9 न्यूज। धन्यवाद।